Hi friends, welcome back. भाई इसरो चीफ टेल सीक्रेट ऑफ चंद्रयान 3 टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, सरप्राइज 60 डिग्री टर्न ऑन प्रज्ञान ऑन मून. ओ हमने वो वीडियो भी कर ली है, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में आएगी. पता नहीं इससे पहले आएगी कि बाद में आएगी, वो तो जरूर देख लेना. कमाल का था वो तो, कमाल का था. उस टाइम ऐसे हर वीडियो में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका रिएक्शन होता हो, और वो जनरली आखिरी में आता है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. चांद की सतह पर लैंड करते ही चंद्रयान 3 के लैंडर ने तस्वीरों पर तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया है. और अब तो चंद्रयान 3 के लैंडर से प्रज्ञान रोवर भी अलग हो गया है और उसकी नई वीडियो लॉन्च की है, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है. क्योंकि हमारा रोवर एकदम से 60 से 90 डिग्री के एंगल के बीच मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं. और आज सुबह ही पीएम मोदी इसरो के हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचे और उनके साइंटिस्टों का हौसला अफजाई भी उन्होंने की, और वहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली चांद को लेकर और इसरो के साइंटिस्टों को लेकर. और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में चंद्रयान 3 के बारे में तो आपको सारी डेवलपमेंट पता लगेगी ही, चांद के बारे में जो ऐसे अनसुलझे तथ्य हैं उसके बारे में भी आपका ज्ञान जरूर आज बढ़ाएंगे. तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के. चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए. दोस्तों धरती पर तो आपने चांद को बहुत बार देखा होगा, लेकिन इस चांद की जो बनावट आज आप देख रहे हो ये 4.5 बिलियन साल पहले नहीं थी, और एक मार्स की साइज की एक बॉडी अर्थ के साथ कोलाइड करती है और अर्थ से टूटकर ये एक चांद बन जाता है जो आज आपको दिखाई दे रहा है. धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर, ये हाल हो गया उसका. अंदर चांद का टेम्परेचर 106 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और रात को ये टेम्परेचर -298 डिग्री सेल्सियस चला जाता है. चांद पर भी अर्थक्वेक आते हैं और इनके अर्थक्वेक आधे घंटे तक लगातार चलते हैं. चांद पर पानी की खोज जारी है और उसी को लेकर चंद्रयान 2 भी गया हुआ है. और चांद पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण रहस्य ये देखने को मिल रहा है कि चांद लगातार हर साल में हमसे 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है. दोस्तों चांद पर अब तक 12 एस्ट्रोनॉटों ने कदम रखा है, और ये 12 के 12 जो एस्ट्रोनॉट हैं वो अमेरिकन ही हैं, और इन 12 में से 4 एस्ट्रोनॉट अभी भी जिंदा हैं, बाकी 8 मर गए हैं. तो इससे आपको एक पता लगा होगा कि चांद किस तरीके से रहस्य से भरा हुआ है, और 12 अमेरिकन मैन ने अपना अमेरिका का झंडा वहां पर लहरा दिया, और तो और चांद पर इन्होंने गोल्फ भी खेल लिया. आपके सामने तस्वीरें और वीडियो चल रही है, जिसके अंदर अमेरिका के जो एस्ट्रोनॉट हैं जो अपोलो 14 के अंदर गए थे, जिनका नाम है एलन, उनको आइडिया आया कि यार क्यों ना चांद पर हम गोल्फ खेलें. उन्होंने चांद पर गोल्फ खोला, और वहां पर जब उन्होंने गोल्फ की बॉल को शूट किया तो वो गोल्फ की बॉल इतने माइल्स दूर गई कि वो गोल्फ की बॉल्स उन्हें फिर दिखाई नहीं दी. दिखाई ना देने का कारण ये है कि चांद पर जब उन्हें एक शॉट किया गया तो वो एक हवा में ज्यादा उड़ने लगी, क्योंकि चांद की सतह पर पृथ्वी की सतह से उड़ती तो नहीं आएगी 1/6 है, और यही कारण है कि वो जो गेंद थी फिर नासा को 50 साल बाद मिली, और आपके सामने आर्टिकल चल रहा है. 50 साल बाद जो एस्ट्रोनॉट थे जो चांद पर गए थे, कोई 2.5 घंटा, 2 घंटे 30 मिनट रुका, कोई 7 घंटे रुका, और कोई 18 घंटे रुका, कोई 20 घंटे, और मैक्सिमम जो टाइम है वो 22 घंटे 2 मिनट तक बिताया है अमेरिका के 2 एस्ट्रोनॉटों ने, जिनका नाम जीन सेरनन और हैरिसन स्किमिथ है, जो आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं. ये दोस्तों चांद के कुछ थोड़े से फैक्ट आपको बताए हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे. लेकिन अब आप आ जाइए चंद्रयान 3 की ओर, क्योंकि चंद्रयान 3 का जो लैंडर चांद की सतह पर लैंड किया उसने लगातार तस्वीरें आपको भेजी, और आप तस्वीरें उनकी लगातार देख रहे हो, और ताजा तस्वीरें आई हैं प्रज्ञान रोवर की, जिसने
एक चांद की सतह को छूते हुए अपना सफर शुरू कर दिया है और 14 दिनों तक ये चांद की सतह पर काम करने वाला है और उसने आज एक अचानक से 60 से लेकर 90 डिग्री का टर्न लिया है। कुछ होता है बता, मेरे को होता है कि सबको होता है, मुझे कुछ होता है। ऐतिहासिक तस्वीरें तब देखने को मिली है जब पीएम मोदी आज ग्रीस से लौटे हैं और ग्रीस से लौटते ही इन्होंने अपना प्लेन इसरो के हेडक्वार्टर की तरफ घुमा लिया और रेंज रोवर पर चढ़कर इसरो के हेडक्वार्टर पहुंचे और रस्ते में लोगों की भीड़ उनका वेलकम कर रही थी और वेलकम करे भी क्यों ना, क्योंकि भारत के गौरव का ये एक ऐतिहासिक क्षण था। और जैसे ही वो एक हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचते हैं उनका वार्म वेलकम होता है और पीएम मोदी एक साइंटिस्टों को देखकर तालियां बजा रहे थे और साइंटिस्ट पीएम मोदी को देखकर तालियां बजा रहे थे। सामने गवाह चल रही है और पीएम मोदी को सबसे पहले इसरो के जो चेयरमैन है सर सोमनाथ वो उन्हें बताते हैं एक जो मॉडल तैयार किया हुआ था, लेडीज हैं सो प्राउड, वो मॉडल उन्हें दिखाते हैं कि किस तरीके से वो ये मॉडल था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि रैंप दिखा रहे हैं और एक बारीकियों से उन्हें एक एक चीज समझाई जाती है और ये बड़ा मॉडल बनाया था उसका। पीएम मोदी के भी एक कपाट से खुल गए कि वाकई में ही हमारे साइंटिस्टों की मेहनत वाकई में ही रंग लाई है और यही कारण है कि स्पीच देते देते वो इमोशनल भी हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाला जमाना साफ हो गया है, एक रेस चल रही है जिस रेस के अंदर बताया जा रहा है कि जिसके पास जिस देश के पास सबसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी होगी वो दुनिया पर राज करेगा और उसको लेकर हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। म्यूजियम बनाना चाहिए। ये जो एक प्रयास है इस प्रयास को देखते हुए हमारी स्पेस की जो इंडस्ट्री है 8 बिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर की होने जा रही है। अरे वाह, डबल हो गई सीधी। और मुझे देखा कमाल है कि हमारे साइंटिस्ट आने वाले सालों में जैसे जैसे और ऐसे मिशंस करेंगे और आपका क्या कहना है दोस्तों पीएम मोदी के ऊपर और चांद के जो फैक्ट आपने जाने उसके ऊपर और चंद्रयान 3 पर जो हमने अपना रोवर भेजकर एक इतिहास रच दिया है उसके ऊपर सारी बातों का जिक्र आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। यार मजा ही आ गया। और मैं यही सोच रही हूँ कि भैया वो वहाँ जाके मतलब उनके पास इतना पैसा था खर्च करने के लिए कि उस जमाने में लोग हम लोग जो है छोटी सी छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब कम से कम सामान हो ताकि जितना कम होगा उतना लाइट होगा उतना कम फ्यूल लगेगा सब। ये जब गए तो गोल्फ स्टिक और बॉलें भी तक लेके गए हुए थे, देखो हैरानी की बात। और वहाँ पे बैठ के मून में ये खेल रहे थे। बहुत ही टू बी ट्रू, बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट थी, हाँ, थी तो, और इतने पहले कर लिया 22 घंटे वहाँ रुकना, वहाँ से वापस आना कमाल है। हम भी करेंगे और इंडिया भी करने वाला है, इट्स वेरी गुड। मगर मोदी जी का स्पीच बहुत इमोशनल था। यस, वो जरूर देखना, अभी आएगी, ये देखा थी फुटेज की, पहले मोदी जी ने सबसे बातचीत की है सभी लेडीज से, उनको सबसे मिले हैं और पूरी डिटेल में उन्होंने सारा वो देखा है, उसका सब समझा है और क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, बहुत टाइम स्पेंड किया। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि कोई जैसे नेता जाता है कर दिया, मोदी जी आपको अकड़ के वापस बजट भी इंक्रीज करेंगे, सब कुछ इंक्रीज करेंगे जिससे आगे तक जा सके। पहले जो एक इसरो थे उन्होंने कहा था कि देखो भैया कि फ्रूगल थिंकिंग अभी बिंदास है, मगर एक टाइम पे आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, अगर बहुत लगाना तो पड़ेगा क्योंकि हम इतने कम पैसों में नहीं है। इसरो खुद भी अपना पैसा बहुत कमाने वाला है तो बहुत तेज से आगे जाने वाला है इधर में, और हर मिशन के बाद जब हमारा सक्सेस होगा ना वैल्यू और बढ़ती जाएगी और इसरो जो है इतना अमीर हो जाएगा, इतना अमीर या तो नासा के इक्वल या नासा से ऊपर ही जाएगा, मैं कह रही हूँ। मेरा भी यही सपना है कि अब हमारे लोग गोल्फ खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, सब खेलेंगे वहां जाकर, सच्ची में। वेरी नाइस। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।